Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये मुख्तलिफ अल्फाज के मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स दिए गए हैं, यानी कंपेनियन का मतलब है साथी, दोस्त, हमनवा, एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, इसके अलावा, म्यूल का मतलब है खच्चर, आर्म्स का मतलब है हथियार, चैरिटी खैरात को कहते हैं, पेनेंसुला जजीरा नुमा, ट्रेजरी यानी इसे बैतुलमाल के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यानी मुसलमानों का खजाना, डिस्पोजल इख्तियार, विक्टोरियस पाते डिस्पाइट के बावजूद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां, स्टेट्समैन सियासतदान, मेंट रफू करना, यानी कपड़ों को हम क्या करते हैं, रफू करते हैं, कपड़ों को जब हम मुरम्मत करते हैं तो उसे रफू किया जाता है, एलिंग बीमार मरीज, एग्जॉर्टेड नसीहत की, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भी ऐसा करने की नसीहत की थी, लाइकवाइज इस तरह। टुडे वी आर रीडिंग The third paragraph of the lesson, Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So let's start reading. Amr ibn al-Haris, one of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's companions, said that when the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam died, Amr ibn al-Haris, Hazrat sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ke saathiyon mein se the, वो कहता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुसत हो गए, ही लेफ्ट नीदर मनी नॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट हिज वाइट राइडिंग म्यूल, हिज आर्म्स एंड अ पीस ऑफ लैंड विच ही लेफ्ट टू चैरिटी। उसने पैसे, दौलत या कोई और चीज़ नहीं छोड़ी, माँ सिवाय अपने एक सवारी के, सफ़ेद खच्चर के, अपने हथियारों के और ज़मीन के एक टुकड़े के जो उसने खैरात के लिए छोड़ा हुआ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड दिस हार्ड लाइफ टिल ही डाइड, ऑल्दो द मुस्लिम्स ट्रेजेडी वाज एट हिज डिस्पोजल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सख्त जिंदगी अपने मरने तक गुजारी जबकि मुसलमानों का खजाना उसके इख्तियार में था। द ग्रेटर पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला वाज मुस्लिम, अरब जजीरा नुमा का ज़्यादातर हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था, एंड द मुस्लिम्स वर विक्टोरियस आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ हिज मिशन, और मुसलमान अपने मिशन के 18 साल बाद पातिहीन थे। डिस्पाइट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नबी, अ टीचर, अ स्टेट्समैन एंड अ जज, अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद जो कि एक नबी, उस्ताद, सियासतदान और एक जज के तौर पर थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मिल्क हिज कोट, मेंट हिज क्लॉथ, रिपेयर हिज शूज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरी का दूध खुद धोते थे, अपने कपड़ों को रफू करते थे, अपने जूतों को मुरम्मत करते थे, एंड हेल्प विद द हाउस होल्ड वर्क, और घर के कामों में मदद करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू विजिट एलिंग पर्संस एंड एग्जॉर्टेड ऑल मुस्लिम्स टू डू लाइकवाइज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बीमार की अयादत के लिए जाते थे और अपने मुसलमान पैरोकारों को यही नसीहत की कि वो भी इसी तरह के काम सरंजाम दें।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को चाहिए कि ये लेसन 10-12 बार पढ़े उर्दू तर्जुमे के साथ। इस तरह आपको तर्जुमा भी याद हो जाएगा और आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी बरकरार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।